जय हिंद। यूथ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो कहते हैं उसके सॉल्यूशन पे बात करते हैं। गुस्सा, लोग कहते हैं फ्रस्ट्रेशन, फ्रस्ट्रेशन और गुस्सा दो बहुत अलग अलग चीजें हैं, लेकिन मैं हमेशा कहता हूं गुस्सा बहुत जरूरी, क्योंकि अगर मुझे गुस्सा नहीं आता तो आज मैं यहां नहीं खड़ा होता। गुस्सा जरूरी है, अपमान जरूरी है, बेइज्जती जरूरी है, तभी आप सीखते हो, तभी होती है। एग्जाम्पल दूंगा, सचिन तेंदुलकर, वकार यूनिस की एक गेंद नाक पर लगती है, गिर जाते हैं, सचिन तेंदुलकर को गुस्सा आता है, वो 18-19 साल का बच्चा है, वो खड़ा होता है और कहता है मैं खेलूंगा। उसके बाद दूसरी बॉल पर छक्का मारता है और उसके बाद तुझी, उसके बाद आई वोंट से दैट, बट एक गाली पड़ती है वकार को। पहली चीज गुस्सा। चाणक्य को आया था, उसने चंदू नाम के लड़के को, मौरा के बेटे को चंद्रगुप्त मौर्य बना दिया, गुस्सा था उस पंडित का, काले ब्राह्मण का। इसी प्रकार गुस्सा आता है, फकीरों को बहुत गुस्सा आता था इसलिए उनसे कोई डायरेक्ट बात नहीं करता क्योंकि वो सच बोलते हैं। चाणक्य ने कहा था कि हर वो इंसान जो सच बोलता है उसको गुस्सा बहुत आता है, क्योंकि अक्सर मैंने झूठों को मुस्कुराते हुए देखा है। तो मजेदार यह चीज है कि गुस्सा आए, हाँ उसको चैनलाइज कैसे करना है ये कोई नहीं बताता। सब ये बात करते कि यार तुम्हारा गुस्सा गलत है, उसका करें क्या, हाँ उसको चैनलाइज करो, क्योंकि आपके शरीर का सबसे बड़ी ताकत, एक ऐसी चीज जहां आपका पूरा शरीर कांप जाता है, जहां आप में लाल हो जाते हो, आपका दिमाग तेज होता है, आप उसको चैनलाइज कैसे करते हो, वही बात है। गुस्सा आए तो तीन चीज करो। पहला, अपने आप की ट्रेनिंग करो दिमाग की और शरीर का कोऑर्डिनेट करने की, कि आप इस गुस्से को कैसे यूज कर सकते हो अपनी जिंदगी, अपने देश को और अपने घर वालों के लिए कुछ अच्छा करके। पहला। दूसरा, गुस्सा आता है ना उसको बर्बाद मत करो, क्योंकि वो बहुत महंगी चीज है, कभी कभी आता है, रोज नहीं आता है। उसको कोशिश करो चैनलाइज करके और अपने अंदर रियलाइजेशन पे डालो। बैठो यार, कुछ मत करो, जब बहुत गुस्सा आ रहा है ना कोशिश करो, अगर चुप हो जाओगे उस समय के लिए ना दोस्त, मजा आ जाएगा। तीसरा, सबसे देसी तरीका, एक कोने में जाओ, बैठ जाओ और बोलो पूरी दुनिया, मतलब बेवकूफ है, सीधी सी बात ये बोलो कि लाला पूरी दुनिया बेवकूफ है। बस क्यों, क्योंकि उस समय, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, कभी किसी को ब्लेम मत करना गुस्से में अपने आप में, क्योंकि हाँ ठीक है यार, लोग कहते हैं ना कि गुस्सा आता है ये लोग, ये कुछ नहीं कर पाएगा। अच्छा एक आदमी बता दो, सामने वाले ने जब फौज की, पता है क्या ब्रिंगिंग, वहां से जब गाली आती है ना, तब यहां से भारत माता की जय जोर से निकलती है। जब पुलिस के विभाग का जब जब अपमान हुआ, फिर उसके बाद एनकाउंटर्स हुए। तो याद रखना, गुस्सा सभी को आता है, बस महान वो लोग बनते हैं जिसने अपने गुस्से को अभिमान में, आप बहुत सारे एग्जांपल है, रतन टाटा साहब भी एग्जांपल है कि फोर्ट वालों ने उनकी बेइज्जती की, उनने फोर्ट ही खरीद मारा। तो बहुत सारी चीजें होती, लेकिन गुस्सा आना जरूरी था। आप किसी को भी ले लें, आप ध्यानचंद साहब की बात कर ले, आप बहुत सारे ऐसे लेजेंड्स हैं कि जिनको गुस्सा आया और उनने बदलाव किया, लेकिन गुस्से से दीवार में सिर नहीं मारा। और हां, अगर आपको इस बात में, मेरी ये बात भी समझ में आए, तो गुस्से का सबसे इजी तरीका है, दौड़ लगा दो एक बार पूरा, 100 मीटर 500 मीटर दौड़ लगाओ, ब्लड बहुत गर्म होगा, उसके बाद जब जैसे ही थकावट आएगी उसके बाद सुकून मिलेगा। तो गुस्से को यूज करना सीखो, ना कि उसको अपनी कमजोरी बनाओ। गुस्सा आपकी सबसे बड़ी ताकत है, उसको चैनलाइज करो, लेकिन जिंदगी में कभी भी बूढ़े, बच्चे, महिलाएं और कमजोर के ऊपर गुस्सा मत उतारना, वरना बुजदिल कहलाओगे। तो दिलेर और बुजदिल में सिर्फ इतना ही फर्क होता है, दिलेर देश के लिए, घर के लिए, अपने सम्मान के लिए लड़ता है, और बुजदिल बेवकूफ किसी भी बात के लिए लड़ता है। तो किसानों का सम्मान कीजिए, महिलाओं का सम्मान कीजिए, अपने माँ बाप का सम्मान कीजिए, बेटियों का सम्मान कीजिए, और बस खुश रहो यार, गुस्सा उस्सा कुछ नहीं होता, मजे करो, जो है आपका ही है, किसी बाहर वाले का नहीं है। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।